कई दिन स्वतंत्रता दिवस के ही दिन हम सबके दिल की धड़कन भूपेश बघेल जी ने आरक्षण की समीक्षा कर डाली। पिछड़े हैं उनको सिर्फ 14% आरक्षण मिलता है, शेड्यूल कास्ट को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, जो आदिवासी हैं उनको जो आरक्षण मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा, और आपने आरक्षण जो बहुजन का था उसको 72% की सीमा पे ले जा करके इस देश में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले हम पेरियार की धरती को, द्रविड़ कड़गम की धरती को, तमिलनाडु को सामाजिक न्याय की सबसे सर्वोत्तम स्टेट, सबसे सर्वोत्तम प्रदेश माना करते थे, लेकिन वो स्थिति इस 15 अगस्त को बदल गई और आज के दिन छत्तीसगढ़ बहुजन समाज का, आदिवासी का, दलित का, ओबीसी का घर बन करके एक सबसे आदर्श प्रदेश बन चुका है। आज इसी बात के लिए हम बघेल साहब का, मानेवर जी का अभिनंदन करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। एक जो लड़ाई, एक संघर्ष जो सामाजिक न्याय का सदियों से इस देश में चल रहा है, महात्मा बुद्ध ने लड़ा था, कभी कभी कबीर ने लड़ा, बाबा नानक ने लड़ा, संत रविदास ने लड़ा, पेरियार साहब ने लड़ा, महात्मा फूले ने लड़ा, सावित्रीबाई फूले ने लड़ा, बसपा जी ने लड़ा, नारायण गुरु ने लड़ा, अपना द्रविड़ कड़गम के वीरमणि साहब ने लड़ा, लोहिया जी ने लड़ा, महात्मा फूले और बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ा। उस लड़ाई की पंक्ति में, उस उन सितारों में हमारे भूपेश बघेल जी भी आज शामिल हैं। एक शायर ने भी कहा है के सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी आपकी जिंदगी में इंतहा और भी तो शाहीन है, शाहीन है निवास जो उड़ान भरता है ऊंची, तू शाहीन है दरवाजे काम तेरा, तुझे जीतने अभी आसमां और भी है। साथियों, मैं देख रहा हूं हमारे बीच बहुत से ऐसे साथी बैठे हैं जिन्होंने मंडल की लड़ाई लड़ी, और मैं अपने आप को खुश नसीब कहूंगा कि जब मैं नौजवान था, सफदरजंग हॉस्पिटल में कार्यरत था, उस समय मेरा खुश नसीब से वीपी मंडल जी जयंती मना रहे हैं, उनसे मुलाकात किसी ने करा दी और मैं उनका मुरीद हो गया। लगभग हर रोज शाम को मैं वीपी मंडल जी का यहाँ पे सरकारी बंगला होता था, मैरिजियन होटल के साथ, मैं वहां अक्सर चला जाता था और वहां पर एक अक्सर बात होती थी कि बीपी मंडल जी उस समय सांसद थे और वो मंत्री नहीं बने थे। वहां अक्सर एक बात होती थी कि बीपी मंडल जी के साथ न्याय नहीं हुआ वहां जो लोग बैठे होते, क्योंकि मंडल साहब अपने जीवन भर दलितों के, पिछड़ों की, आदिवासियों की, अभिजात की लड़ाई को लड़ते रहे, बिहार के मुख्यमंत्री बने और मोरारजी भाई ने जो अपना मंत्रिमंडल का गठन किया तो मंत्री उनको नहीं बनाया, अपनी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया। तो जब उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया तो देश भर के तमाम सांसद इकट्ठे होकर के मोरारजी भाई के पास गए और उन्होंने कहा कि आपने इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया। तो मोरारजी भाई को भी रियलाइज हुआ, एहसास हुआ कि मुझसे गलती हो गई, दलितों पिछड़ों की लड़ाई लड़ने वाला एक बिहार का पूर्व मुख्यमंत्री भी और वो कैबिनेट स्तर में नहीं है। तो मोरारजी भाई ने उस समय आश्वासन दिया, वायदा किया कि अगला जब भी फेरबदल होगा मैं बीपी मंडल जी को अपने कैबिनेट में एक कैबिनेट मिनिस्टर के दर्जे के स्थान पर उनको रखूंगा। तो चर्चा चलती थी कि अब अगले महीने होगा, 2 महीने में होगा, 15 दिन में होगा। एक दिन मैं वहां शाम को गया तो उस बंगले में बहुत ज्यादा हलचल थी, उत्तेजना थी, लोग जोर जोर से आवाज में बात कर रहे थे। तो वहां एक अक्सर सांसद होते थे विनायक प्रसाद यादव जी, तो सहरसा के सांसद थे, अब तो संसदीय क्षेत्र नहीं रहा सहरसा, मधेपुरा और सुपौल में बट गया।
लेकिन तब उस समय विनायक प्रसाद यादव जी सहरसा के सांसद होते थे और मैंने उससे कहा भाई साहब ये क्या बात होगी, सब इस माहौल में क्यों उत्तेजना क्यों है, लोग से चिल्ला रहे हैं बातें कर रहे हैं। तो वो बोले डॉक्टर साहब हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है, मोरारजी भाई ने वायदा किया था कि मंडल जी को मैं कैबिनेट स्तर का मंत्री बनाऊंगा, लेकिन उन्होंने एक पिछड़ा वर्ग आयोग बना करके मंडल जी को उसका अध्यक्ष बना दिया और ये कह दिया कि इसका स्तर भी कैबिनेट मिनिस्टर का होता है, ये हमें लॉलीपॉप दी जा रही है। मंडल जी उस समय वहां पे नहीं थे, मोरारजी भाई से शायद मिलने गए हुए थे। तो जैसे ही मंडल जी लौट करके आए और सब लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे कि धोखा हुआ है, तो मंडल जी ने कहा चुप, एकदम शांत होकर के बैठ जाओ और एक बात को कान खोल करके सुन लो कि मैं मंत्री बनकर के भी इस देश के दलित और पिछड़ों और आदिवासी अग्रेत के वो काम नहीं कर पाता जो मैं इस पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनने का हुआ। आप सबको खुशी होनी चाहिए, आप सबको प्रसन्नता होनी चाहिए और मोरारजी भाई का धन्यवाद करना चाहिए। उसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। हमारे बीच में काफी लोगों में देख रहा हूँ मास्टर करतार सिंह खड़े हैं पीछे जागीर समाज के हमारे, हम सब लोग 80 से 90 के दशक में कोशिश करते रहते थे कि मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाए, बहुत संघर्ष करते थे, कभी पार्लियामेंट में गिरफ्तारियां, कभी संसद में जाकर के ज्ञापन देना संसद के अध्यक्ष को, ऐसा ही कार्यक्रम हम कर रहे थे। काफी लोग उस समय के आते थे, चौधरी बरुण प्रकाश जी होते थे, कर्पूरी ठाकुर जी अक्सर आते थे, रवि रे जी आते थे, चंद्र जी जी आते थे, हमारे गुजरात से माधव सिंह सोलंकी जी आया करते थे और तमाम लोग, ए वीरामणि जी आते थे, करुणा निधि जी आते थे, बहुत लोग थे जो इस काम में लगे हुए थे। तो ऐसे इस कार्यक्रम में हमारे बीच में बैठे शरद यादव जी एक दिन आए, ये उस समय शायद लोकदल के उस समय युवा लोकदल के अध्यक्ष हुआ करते थे। आपने भाषण बड़ा दिया और कुछ कड़वी कड़वी बातें भी अपने भाषण में बोल दी। उन्होंने कहा कि इस तरह से कुछ नहीं होगा, जब तक राज सत्ता हमारे हाथ में नहीं आएगी तब तक बात नहीं बनेगी। तो अपना भाषण देकर के जब पीछे बैठे तो मैं इनके पास गया, मैंने कहा भाई साहब आपने तो हम इतनी मेहनत करते इतनी कड़वी बात बोल दिया तो फिर भी अपनी बात कर रहे। बोले मैं बिल्कुल ठीक कहता हूं कि जब तक राज सत्ता हमारे हाथ में नहीं आएगी तब तक कुछ होने जाने वाला नहीं, आप करते रहो संघर्ष। उसके बाद एक ऐतिहासिक दौर आया 1990 में, वीपी सिंह की सरकार थी और उस सरकार को चंद्रशेखर देवीलाल इत्यादि इत्यादि लोगों ने अपना समर्थन हटा दिया। वीपी सिंह साहब को अपना बहुमत सिद्ध करना था। उस समय 70 सांसद ऐसे थे जो शरद यादव जी को अपना नेता मानते थे। नौ अक्टूबर रोड पर उनकी सबकी मीटिंग हुई और उन्होंने कहा कि आप हमें मार्गदर्शन करें कि क्या करना है। उधर से वीपी सिंह साहब का संदेश आया क्योंकि आईबी से तमाम तरह की रिपोर्टें पहुंचती हैं। शरद यादव जी को आया कि आपके साथ 70 सांसद हैं, आप मुझे समर्थन दीजिए। उस बैठक में शरद जी के लिए फैसला हुआ कि हम तो देवीलाल बोर्ड के माने जाते हैं, लेकिन अगर वीपी सिंह जो हमारी 30-40 साल लोहिया जी की पुरानी मांग है कि पिछड़ा पावे 160, अगर उस मांग को वीपी सिंह साहब पूरा कर दें तो हम वीपी सिंह का समर्थन कर देंगे। लोग इकट्ठे होकर के जब गए वीपी सिंह साहब के पास तो वीपी सिंह ने कहा मैं बहुत खुशी खुशी आपकी इस मांग को स्वीकार करता हूं, लेकिन इसकी घोषणा मैं 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से करूंगा। लेकिन वो कहते हैं कि दूध का जला छाछ को भूख भूख के पीता है। 1950 में जो आरक्षण पिछड़े वर्ग को मिलना था 1990 आ चुका था, तो सबने कहा नहीं, 9 अगस्त को बहुमत सिद्ध करना है आपने संसद में, मंडल आयोग की रिपोर्ट उससे पहले 7 अगस्त तक लागू हो जानी चाहिए और आगे जो हुआ वो आपके सामने इतिहास है। मैं सब बातें इसलिए बता रहा हूं कि हमें इतिहास का सही सही आकलन करना आना चाहिए। जब तक बहुजन को हम ताकत नहीं देंगे, अपने नेताओं को ताकत नहीं देंगे,
बात नहीं बनेगी। अगर खुदा ना खासा हमारे बघेल साहब मुख्यमंत्री नहीं होते तो आज आपको 72% में दावे के साथ कहता हूं आरक्षण नहीं मिल रहा होगा। इस बात की है कि हम अपने नेताओं को मजबूत करें। बघेल साहब ने एक ऐसा काम किया है, हम सबको मिलकर के इनके हाथों को मजबूत करना है। और आज हम ऐसे हैं कि देश के कोने कोने में जाकर के हम इनके संदेश को फैला करके इनको मजबूत करने का काम करेंगे, ताकि आने वाले समय में हमारा काम करने वाले नेताओं को बढ़ावा मिले। अक्सर सोशल मीडिया पे में एक चीज देखने को मिलती है कि हमारे आरक्षण से 131 सांसद आए हैं और वो लोग हमारा समर्थन नहीं करते। तो दोस्तों, इसलिए नहीं करते कि हम उनको राजनीतिक ताकत नहीं दे पाते, हम अपने नेताओं को मजबूत नहीं कर पाते। अगर हम अपने नेताओं को मजबूत नहीं करेंगे तो कुछ होने जाने वाला नहीं है। समय की सीमा है, दिल में जज्बात बहुत ज्यादा है। मैं आखिर में एक शेर के माध्यम से दो पंक्तियां कहता हूं कि इन अंधेरों में इतना एक क्षमा जलाए रखिए, इन अंधेरों में इतना एक क्षमा जलाए रखिए, सुबह होने को है माहौल बनाए रखिए। नूर की जुलमात पे भारी होगी रात, उनकी ही सही सुबह हमारी होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।